अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूँ फवाद जैदी और मैं हूँ सिदरा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि इमरान खान अपना हिसाब दे, हमसे हिसाब ना मांगे। अभी तो तुम मेरे एहतसाब के शिकंजे में हो, हम तुम्हें कहाँ पहुँचाएंगे तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं। मर्दान जलसे से खिताब में कहा, जब तक फतेह हासिल नहीं कर लेंगे पीछे नहीं हटेंगे, नैब के एहतसाब का अब कोई एतबार नहीं। इमरान खान कहता है, फजलुर रहमान को हिसाब देना होगा। मैं उसे कहना चाहता हूँ कि अभी तो तुम मेरे एहतसाब के शिकंजे में हो, हम तुम्हें कहाँ पहुँचाएंगे तुम्हें अंदाजा ही नहीं है। और जो लोग तुम्हारी रखवाली कर रहे हैं वो भी आए रोज कहते हैं, खुदा के लिए हमें कुछ ना कहो, इमरान जाने और तुम जाने। और नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज कहती हैं कि वजीर आजम ने अपनी नालायकी का इतराफ़ खुद कर लिया है। इमरान खान जानते थे कि वो वजारत उज़्मा के अहल नहीं, तो फिर उन्हें शेरवानी पहनने की क्या जल्दी थी। कल उसने चीख चीख कर कहा कि मुझे लाकर 22 करोड़ अवाम के सर पे बिठा तो दिया है, लेकिन मेरी हुकूमत चलाने की कोई तैयारी नहीं थी। तुम जानते थे कि तुम वजारत उज़्मा के अहल नहीं हो, तो तुम आज मर्दान की आवाम को ये जवाब दो कि तुम्हें शेरवानी पहनने की इतनी जल्दी क्या थी। 2.5 साल बाद भी हुकूमत चलाना नहीं आता, लेकिन ताबेदारी करना अच्छे से आता है। जानते हो ना कि चोर और डाकू होने के बावजूद बंदा क्यों ईमानदार है, क्योंकि बंदे ने ताबेदारी बड़ी ईमानदारी से की है। और अब जिक्र उनका जो जेल भी जाते हैं, धक्के भी खाते हैं। जी हाँ, कैप्टन सफदर को एक बार फिर धक्के पड़ गए। बदनज़मी कहें या मास्क की वजह से पहचानने में मुश्किल हुई। मर्दान के पिंडाल में कैप्टन सफदर लीगी कारकुनों के हुजूम में फंस कर रह गए। किसी ने इधर से कंधा मारा तो कोई उधर से धक्का दे गया। कैप्टन रिटायर्ड सफदर मरियम नवाज के लिए जगह बनाने की खातिर गाड़ी से पहले निकले थे, किसी ना किसी तरह कंटेनर पर पहुंचे, तो अमीर हैदर खान होती से उन्होंने इस मामले की शिकायत भी की। मैं तो एक वर्कर हूं, वर्कर की तरह चलता रहता हूं। कभी ये मुस्लिम लीग वाले ड्राइविंग सीट पे बिठा देते हैं, कभी सिक्योरिटी पे लगा देते हैं, कभी नारों पे लगा देते हैं, कभी पनामा में डलवा छोड़ते हैं, कभी दहशत गर्दी में डलवा छोड़ते हैं, जो इनकी मर्जी करते हैं। मैं तो एक वर्कर हूँ, वर्कर की तरह चलता रहता हूँ। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने पहले शिकायत भी की थी, एक बार फिर आपको सुनवा देते हैं। वर्कर हूँ, वर्कर की तरह चलता रहता हूँ। कभी ये मुस्लिम लीग वाले ड्राइविंग सीट पे बिठा देते हैं, कभी सिक्योरिटी पे लगा देते हैं, कभी नारों पे लगा देते हैं, कभी पनामा में डलवा छोड़ते हैं, कभी दहशत गर्दी में डलवा छोड़ते हैं, जो इनकी मर्जी करते हैं। मैं तो एक वर्कर हूँ, वर्कर की तरह चलता रहता हूँ। और सिर्फ यही नहीं, मरियम नवाज का गार्ड मियाँ इफ्तिखार से उलझ पड़ा। डाई से दूर हटाने की कोशिश, मियाँ इफ्तिखार ने कहा कि जगह नहीं है। तकरार बढ़ी तो मरियम नवाज ने कहा, रऊफ छोड़ दो, मियाँ इफ्तिखार मेरे बुजुर्ग हैं। और सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत कुछ हुआ मर्दान के पिंडाल में। बिलावल साथ तो ना थे, मरियम नवाज ने पीपल्स पार्टी जिंदाबाद का नारा फिर भी लगा दिया। पीडीएम में शामिल जमाते और उनके कारकुन जिंदाबाद आबाद, और एक दफा पीपल्स पार्टी भी जिंदाबाद। पीडीएम में शामिल जमाते और उनके कारकुन जिंदाबाद, और एक दफा पीपल्स पार्टी भी जिंदाबाद। इसी पर बात करेंगे, वफाकी वजीर फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद साहब, मरियम नवाज ने पीपल्स पार्टी जिंदाबाद का नारा लगाया है, क्या हम इसको समझे कि हम पल्ला हम आवाज हम नारा भी हो गए आज? फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, गालिबन उनसे रब्ता हमारा मुनकता हो चुका है। मर्दान की यह रैली जिससे मरियम नवाज ने खिताब किया, और बिलावल इस रैली में नहीं थे लेकिन फिर भी मरियम नवाज ने पीपल्स पार्टी का नारा लगा दिया। फवाद चौधरी साहब, मरियम नवाज ने आज पीपल्स पार्टी जिंदाबाद का नारा लगाया है, क्या समझते हैं आप कि ये सिर्फ नारा है या फिर मरियम नवाज अब पीपल्स पार्टी के नज़रिए और उनकी आवाज़ को भी उतना ही मानती है जितने पीपल्स पार्टी वाले खुद मानते हैं?
देखिए जी, ये पॉलिटिकल पार्टीज जो मौजूदा पीडीएम का हिस्सा है, एक तो ये चूचू का मुरब्बा है, किसी को पता नहीं है किसका नजरिया क्या है, किसकी जदोजहद क्या है, ये सियासत कर क्यों रहे हैं, मुल्क के बारे में ना कभी आपने मरियम नवाज के मुंह से कभी कोई एजेंडा सुना होगा, ना आपने कभी बिलावल साहब के मुंह से कोई बात सुनी कि आखिर मुल्क को किधर लेके जाना है, क्या करना है। ये तो एक इस वक्त अपने अपने अबू को केसेस से निकालने के लिए जो है वो जलसे वलसे कर रहे हैं, इसके अलावा तो पीडीएम का कोई एजेंडा है नहीं। फजलुर्रहमान साहब जो है वो पहले भी अपना एक शौक पूरा कर चुके हैं धरने का, और जितने तनहा वो पहले थे अब भी उससे। लेकिन फवाद साहब, आप उनके शौक की बात कर रहे हैं, उन्होंने आज अपना इरादा बता दिया है, वो ये इरादा रखते हैं, वो ये कह रहे हैं बल्कि कि इमरान खान अब उनके एहतसाब के शिकंजे में है और इमरान खान को अंदाजा ही नहीं कि वो उनको कहाँ तक पहुँचा देंगे। देखिए, वो पिछली दफा भी अंदाजा यही कह रहे थे कि अंदाजा नहीं है, उस वक्त तो उनकी पार्टी टूट फूट का शिकार नहीं थी, अब तो मौलाना फजलुर्रहमान की अपनी पार्टी टूट फूट का शिकार है। मौलाना शेरानी हो, हाफिज हुसैन अहमद हो, गुल नसीब हो, ये तमाम लोग जो इंटेग्रल हिस्सा थे, एक लाजमी हिस्सा थे जे यू आई का, वो अब मौलाना से जो है वो दूर हट गए हैं। और जे यू आई का तो इस वक्त इमरान खान को छोड़े, पहले जे यू आई को बचाने की कोशिश करें, वो तो टूट फूट का शिकार है। और इसी तरीके से अपोजिशन इस वक्त जो सारी पी डी एम है, ये लाहौर के जलसे के बाद मुसलसल एक तनजल का शिकार है, और अब इनको समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। और दोनों नवाज शरीफ और जरदारी जो असल डिसीजन मेकर हैं, ये तो सारे इस वक्त यहाँ पे तो बच्चे हैं, शो पीसेज हैं जो जलसों में आते हैं, इनके पास तो फैसलों के अख्तियार भी नहीं है, सियासत के अख्तियार भी नहीं है, ये तो इनके अब्बू जो हैं फैसले करते हैं, तो वो फैसले कर चुके हैं। अच्छा फवाद साहब, इमरान खान साहब के एक बयान पर मरियम नवाज ने आज अपना रद्दअमल दिया, वो ये कह रही थी कि अगर हुकूमत में आने की तैयारी नहीं थी, कि जिस तरह इमरान खान ने खुद कहा कि तैयारी से हुकूमत में आना चाहिए, उनके जुमले को कोट करते हुए वो ये कह रही थी कि अगर तैयारी नहीं थी तो वजारत उज़्मा के अहल नहीं थे तो शेरवानी पहनने की क्या जल्दी थी, इस पर वो तनकीद कर रही थी। लेकिन वो तो मैं समझता हूँ कि चूंकि मीडिया के एक तबके एक हल्के ने आधा बयान बगैर चलाया, उससे तो तासुर गलत ही जाता है। जब भी आप हाफ स्टेटमेंट चलाएंगे, आधा बयान चलाएंगे, तो जाहिर है कि वो उसका पूरा मानी नहीं जाते। इमरान खान वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे, और वो बड़ी ही एक इम्पॉर्टेंट बात है, बड़ी अहम बात है जो पीएम ने कल की है, और वो ये है कि आपको गवर्नेंस के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स चाहिए, और उस जमन में क्या करना चाहिए, कैसे हुकूमत की तब्दीली होनी चाहिए, बड़ी इम्पॉर्टेंट उन्होंने गुफ्तगू जो है वो की है, और अनफॉर्चुनेटली उसको एक गलत तरीके से जो है एक जगह कई जगहों पे पेश किया गया। लेकिन बहरहाल मरियम नवाज जो है उनकी तैयारी तो क्या, पहले तो वो ये बताए ना कि नून लीग की लीडर किस राइट में है, ये तो नहीं कि अब्बू ने वहां से फोन कर दिया तो आप लीडर बन जाए, आपकी अपनी स्ट्रगल नहीं है, आपने एक दिन जिंदगी में कभी कोई काम नहीं किया, आपने आप मुल्क चलाना चाहते हैं। अच्छा फवाद साहब, वैसे आप समझते क्या हैं कि पीडीएम की जो हुकूमत मुखालिफ तहरीक है, जिस तरह से पीडीएम इसको लेकर चल रही है, इसका कोई हासिल वसूल होगा पीडीएम को? नहीं जी, इनके तो गुब्बारे से हवा निकल चुकी है, ऑलरेडी पीडीएम जो है वो प्रैक्टिकली तो खत्म ही हो चुका है, रही सही कसर ये जो है इस्तीफों के मामले के ऊपर पूरी हो जाएगी। जब आप भी आज भी आप देखिए कि पीपल्स पार्टी तो शरीक ही नहीं हुई पीडीएम के इजलास में, और बिलावल भुट्टो तो आई ही नहीं, वैसे ही मरियम जो है वो बेचारी ये शर्मिंदगी दूर करने के लिए पीपल्स पार्टी जिंदाबाद के नारे लगा रही हैं, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज, हकीकत तो ये है कि पीपल्स पार्टी ने पीडीएम को छोड़ दिया है, और वो ना उनके बयानिए में उनके साथ है, ना वो इस्तीफों में उनके साथ है, ना ही वो आज अब जलसों में उनके साथ है, तो पीडीएम जो है वो अमली तौर पे तो खत्म हो चुकी है। यानी कि फवाद साहब, आपका ये कहना है कि जेयूआई खुद टूट फूट का शिकार है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम से अलग हो रही है। आपने अपना रद्दअमल दिया, आपका शुक्रिया। सुनते थे तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है, मगर अब मौलाना फजलुर रहमान ने नारा लगा दिया है कि मौलाना आ नहीं रहा बल्कि मौलाना आ चुका है। पीडीएम सरबराह के खिताब के दौरान पार्टी तराना बज रहा था कि मौलाना आ रहा है, फजलुर रहमान बोले कि मैं आ नहीं रहा, मैं आ चुका हूँ। मैं आ नहीं रहा, मैं आ चुका हूँ।
वजीर आजम इमरान खान कहते हैं मुल्क के सियासतदान माजी में चोरी बचाते बचाते इबरत का निशान बन गए। उनको ये भी पता नहीं कि उनके पास पैसा कितना है। ये कभी अस्पतालों में जाते हैं, कभी मुल्क से बाहर भागते हैं। तबाही का रास्ता अपनाने वाले पैसा बनाते बनाते अजाब में पड़ गए हैं। बाप का पैसा बचाने के लिए बच्चे झूठ बोलने पर मजबूर हो गए। वो सियासतदान जिनको अल्लाह ने इतना मौका दिया, मुल्क के सरबरा बना दिए, हलाल की कमाई भी कर सकते थे, लेकिन जिस रास्ते पर वो निकल गए वो इबरत का निशान बने हुए हैं। उनके पास आज इतना पैसा है, उनको खुद नहीं पता कितना पैसा है। कभी अस्पतालों में जा रहे हैं, कभी मुल्क से बाहर जा रहे हैं, बच्चे बाहर भागे हुए हैं, कई बच्चे को झूठ बोलना पड़ रहा है बापों की चोरी को बचाने के लिए। ये पैसा अल्लाह का अजाब है। मुल्क के घर की तरह होता है, घर मकरूज सबसे ज्यादा कर्जे चढ़े हुए हैं। तो जब कर्जे चढ़ते हैं तो घर अपने खर्चे कम करता है जब तक उसकी आमदनी नहीं बढ़ती। प्राइम मिनिस्टर हाउस और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के 60-70% खर्चे कम किए हैं। क्यों किए हैं? क्योंकि हमने बैलेंस करना है, हम कर्जों पे गुजारा नहीं कर सकते। जब तक हमारी आमदनी नहीं बढ़ती तो सारी कौम को कहता हूँ थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी तो सबसे बड़ा इस मुल्क का असासा है। ज़हन में डाल लें कि सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानी इस मुल्क को उठा सकते हैं। इस्तीफे देने हैं या नहीं, बिलावल भुट्टो जरदारी ने गौर के लिए पार्टी की सीईसी का इजलास बुला लिया है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 29 दिसंबर को दोपहर 2 बजे बिलावल हाउस कराची में तलब किया है। तर्जुमान के मुताबिक इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल और इस्तीफे देने या ना देने का हतमी फैसला होगा। अभी आपको खबर दें, न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट का लाउंज एक बार फिर पानी से भर गया, मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। बात करेंगे शहजाद अली से। शहजाद, बताइए कि बारिश की वजह बनी या मामला कुछ और है, और सदेबाद के लिए क्या किया जा रहा है अब? जी बिल्कुल, न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट का लाउंज जो है एक बार फिर पानी पानी हो गया। इससे कल भी बारिश के बायस जो है वो यहाँ पर पानी आता था, लेकिन आज जो है वो मामूल की मेंटेनेंस के दौरान जो है वो पाइप लाइन फट गई, जिसके बायस जो है वो एयरपोर्ट के लाउंज में पानी पानी आ गया। इस पर जो है वो मेंटेनेंस का काम अभी जारी है, एयरपोर्ट मैनेजर का ऐसा बताना है। और उनके मुताबिक ये भी कहा गया कि नीचे से जो मुसाफिरों को परेशानी का सामना था उस हवाले से जो है वो लाउंज की सफाई भी जारी है, और अब से थोड़ी देर बाद तक जो है वो मेंटेनेंस का जो काम है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। बताया जा रहा है लाउंज से पानी निकालने का काम जारी है। शहजाद, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। क्या कराची पाकिस्तान का शहर नहीं? क्या यहाँ के शहरी किसी गिनती में नहीं? पीएसपी सरबरा मुस्तफा कमाल वफाकी काबीना में मुतनाज़े मर्दमशुमारी मंजूर किए जाने पर सीख पा हो गए। सबसे ज्यादा एमक्यूएम को निशाना बनाया। कहते हैं पीटीआई और पीपल्स पार्टी एक दूसरे की हुकूमतें जला रहे हैं। एक दफा ऐलान कर दो कि भाई ये मुहाजिर पाकिस्तान के शहरी नहीं है, सेंसस को प्रूव करके ये बता दिया कि इसमें और पुराने हुक्मरानों में कोई फर्क नहीं है, और एमक्यूएम हमेशा से एजेंट थी, एजेंट है और एजेंट रहेगी। इतनी कमजोर हुकूमत के आगे ये अपनी 6 सीटें अलग करे हुकूमत गिर जाएगी। अब कैबिनेट छोड़ो, हुकूमत छोड़ो, बाहर आके बैठो। ये शहर चल रहा है तो पाकिस्तान चल रहा है। जो भी अपने दिमाग में खन्नास लेकर बैठकर शहर के खिलाफ ये साजिशें कर रहा है वो इस मुल्क के खिलाफ साजिशें कर रहा है। हम इंतहाई इकदाम की तरफ जाने का ऐलान करेंगे। एमकेएम रहनुमा ख्वाजा इजहार का पीएसपी चेयरमैन को करारा जवाब। बोले मुस्तफा कमाल पर जो इल्जाम लगे हैं उनका जवाब दें, पहले आप खुद को एहतसाब अदालत से क्लियर कराएं, बाहर आकर आएं बाएं शाएं ना करें। साहब अदालत में थे ना, एहतसाब करवाने गए थे, एहतसाब पूछने का अख्तियार नहीं, पहले अपना एहतसाब करें। एहतसाब अदालत में बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा हुआ उनके ऊपर। एहतसाब अदालत में आने के बाहर आने के बाद अपने बारे में बताएं कि आप पे इल्ज़ाम की कितनी सच्चाई है और आपने उसे कैसे दफा किया। बाहर आकर ये आएँ बाएँ शायद ना करें। शहर कायद के बासियों के लिए अच्छी खबर, कराची का पहला मास ट्रांजिट मंसूबा ऑपरेशनल होने के लिए तैयार। वफाकी हुकूमत और चीनी कंपनी के दरमियान मेट्रो बस की खरीदारी का मुआहदा तय पा गया। कराची के लिए ट्रांसपोर्ट मंसूबों में बड़ी पेशरफ, हुकूमत ने शहर कायद के वासियों को खुशखबरी सुना दी। ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए बसों की खरीदारी का अमल शुरू कर दिया। ग्रीन लाइन के लिए 50 और ऑरेंज लाइन के लिए चीन की कंपनी से 20 बसें खरीदने का मुआहिदा हो गया। एधी ऑरेंज लाइन मेट्रो मंसूबे के लिए बसों की लागत सिंध हुकूमत दे रही है, जबकि ग्रीन लाइन मेट्रो बसों के लिए फंड्स वफाकी हुकूमत ने दिए हैं। मुआहिदे के तहत आइंदा 6 माह में मेट्रो बसों की पहली खेप कराची पहुंचेगी। ग्रीन लाइन मंसूबे का इब्तदा 2016 में हुआ था,
जिस पर अब तक 25 अरब से ज्यादा लागत आ चुकी है। 24 किलोमीटर का ये ट्रैक 2 साल में मुकम्मल होना था, लेकिन अब भी 20% तक काम बाकी है, जबकि लाहौर में मंसूबा 1 साल में ही काबिल अमल हो गया। लाहौर मेट्रो बस रूट का कुल फासला 27 किलोमीटर है और उस पर 29.65 अरब रुपए खर्च हुए। पहले कहते थे स्कूल बंद नहीं होंगे, अब कहते हैं स्कूल खुलेंगे नहीं। वजीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं कोरोना की सूरत हाल देखकर नहीं लगता कि जनवरी में स्कूल खुल सकेंगे। ये भी वाजे कर दिया कि इस बार बच्चे बगैर इम्तिहान प्रमोट नहीं होंगे। डिपेंड करता है कि हमारे स्कूल खुलते कब हैं, उससे पहले तो हम कोई चीज नहीं कह सकते। अभी तो हम अगर प्लान करेंगे भी कि जी हमने लेट से जनवरी में जो बात हो रही थी, मुझे तो नहीं लगता कि जनवरी में स्कूल खुल सकते हैं। तो अगर ये जितना आगे जाएगा और जैसे स्कूल खुलेंगे उसके बाद बैठ के हमें सारा पूरा रीडिज़ाइन करना पड़ेगा अपना एकेडमिक प्लान और सारे का सारा। और ये बात मैं बता रहा हूँ कि इस मरतबा बच्चे बगैर एग्जाम्स के जो हैं वो पास नहीं होंगे। इसी हवाले से आपको मजीद बताएं कि ऑल सिंध स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन सिंध ने सईद गनी के बयान को कबल वक्त करार देकर मुस्तरद कर दिया। कहा जनवरी में इजलास होगा तभी फैसला किया जाए, इस साल बच्चों का इम्तहान लेना लाजिम हो गया है। वज़ीर तालीम सिंध के इस ऐलान को क़ब्ल अज़ वक्त भी समझती है और इसे मुस्तरद भी करती है कि अभी काफ़ी दिन बाकी हैं और तालीमी अदारे पहले ही कई माह की बंदिश का शिकार हो चुके हैं। तो इस तरह गैर जिम्मेदाराना उजलत में बयान देना जो है मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। जनवरी में जब वज़ीरे तालीम का इजलास होगा और कोरोना वायरस की सूरत हाल का भी जायज़ा लिया जाएगा तो फिर गौर व फिक्र के साथ एक हिकमत अमली तरतीब दी जाए। कोई गुंजाइश नहीं है कि किसी भी बच्चे को बग़ैर इवेल्युएशन के या इम्तिहान के अगली क्लास में मुंतकिल किया जाए। तो यकीनी तौर पर इम्तिहानात और असेसमेंट किसी न किसी शक्ल में इस साल ज़रूर लिए जाएंगे। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला ने नैब को दो सोमालिक के साथ ताल्लुकात बिगाड़ने वाला इदारा करार दे दिया है। कहा क्या आप शहजाद अकबर बताएंगे कि पार्लियामेंट को कैसे चलाना है। ताजर बरादरी को सेनेट के जरिए मसाइल हल कराने की यकीन दहानी भी करा दी। इस्लामाबाद से वहाब कामरान की रिपोर्ट। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला की इस्लामाबाद में नैब पर चढ़ाई। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तकरीब के दौरान बोले नैब का काम करप्शन का खात्मा था लेकिन ये कारोबारी अफराद को तंग करने पर लग गया। नैब पर इंसानी हकूक की पामाली का भी इल्जाम। कहा नैब तो पाक चीन दोस्ती के लिए भी खतरा बन चुका है। चाइनीज एम्बेसडर केम टू माय ऑफिस and he, what he says Mr. Saleem, we will not do any contract with Pakistan if NAB is not excluded. So this means ki even they are threatened, even the relationship between government to government is threatened. So ye cheeze badi realize karne wali hain. Saleem Mandvi wala ka Shehzad Akbar ko apne kaam se kaam rakhne ka mashwara. Shehzad Akbar sahab ab parliamentarians ko bhi batayenge ki parliament kaise chalani hai. आप कैसे कह सकते हैं कि सेनेट के फोरन को मैं इस्तेमाल ना करूं? मैं रोडों पे जाके ये बातें करूं या प्रेस में खड़े होके करूं? मैं अपने फोरम पे खड़े होके करूंगा। आप कोई नहीं होते किसी पार्लियामेंटेरियन को बोलने वाले। आप अपना काम करें और पार्लियामेंट के वर्किंग में मुदाखलत मत करें। डिप्टी चेयरमैन सेनेट का कहना था कि रोजाना बैरून मुल्क से नैब जदगान की कॉल्स आती हैं, लोगों को बिला वजह तंग करने का सिलसिला अब मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। कैमरामैन अयाज अब्बासी के साथ वहाब कामरान, समा इस्लामाबाद। लीगी रहनुमा राना सनाउल्ला का बयान हकीकत पर मबनी नहीं है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मुलाकात स्पीकर के घर हुई, एक मुसव्वदा दिया गया जिससे हमें एनआरओ की बू आई। दोनों जमातों ने कहा फेटव कानून साजी चाहते हैं तो नैब तरामीम पर बात करें। महमूद कुरैशी ने उस मीटिंग रूम में जो स्पीकर हाउस में है मुझे अलहदा बुलाया, कहा कि यार ये पागल जो है ये नहीं मान रहा, हम तो पूरी जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि नैब में ये अमेंडमेंट्स होनी चाहिए, हम पूरी तरह से मुत्तफिक हैं। ये एक साहब ने ये बयान दिया है जो हकीकत पे मबनी नहीं है। और ये जो शहजाद अकबर बैठा है ना, ये है उसका एजेंट। इसके सामने आप जो है ना वो बात ना करें, ये जाके वहाँ पर बताता है कि पीपल्स पार्टी और नून की तरफ से ये बरमला मुतालबा किया गया कि अगर आप ये कानून साजी चाहते हैं फैटिफ की तो हमारे साथ नैब के कवानीन की तारामीम में बात करें। वो पॉइंट्स जो दिए हैं उस उन्होंने अपना फारूक अच नायक ने, जिनको कहते हैं कि जी ये हमें एनआरओ पेश किया, ओ भाई आपने खुद कहा था कि जी हमें ये आप बड़े सीनियर वकील हैं, आप बहुत समझदार हैं, आप हर चीज़ को जानते हैं, आप हमें बताएं ये चीज़ें।
वो जब उन्होंने वो सारा एनालिसिस करके आपको बताया तो शाह महमूद कुरैशी साहब तो वहाँ पे ये कह रहे थे कि जी वाह जी वाह, हमें तो इन चीज़ों का पता ही नहीं है। मैंने उनसे कहा और मैं उसको दोहरा देता हूँ कि 10 साल आप हुकूमत में रहे जिसमें 5 साल पीपल्स पार्टी के थे, जिसमें 5 साल मुस्लिम लीग नून के थे, आप बरसर इक़्तदार थे, आपको स्नैप के कानून में खराबियां दिखाई देती हैं तो आप कानून साजी के ज़रिए उसमें तरमीम करने की पोजीशन में थे। आपने अगर नहीं की तो ये गफलत आपकी है, हमारी नहीं है। अब भी अगर आप तरमीम चाहते हैं तो हम गुफ्तगू शुनीद के लिए तैयार हैं। NRO किसने मांगा, कब मांगा, नून लीग के इल्ज़ाम पर शहजाद अकबर का जवाब, बोले मेरे पास मोहसिन राजा के व्हाट्सएप मैसेजेस मौजूद हैं, अपोजिशन NRO प्लस मांगने में नाकाम हो चुकी है। शहजाद अकबर साहब ने मुझे कागज दिया था, शहजाद अकबर साहब ने कहा था कि ये हमारा नैब का प्रपोज ड्राफ्ट है। कल मैं सुन रहा था, वो मोहसिन राजा साहब ने तो कहीं ये भी फरमाया है कि ये डॉक्यूमेंट मैंने उनको दिया था, तो मुझे उसमें बड़ी हंसी आई। ये शहजाद अकबर साहब ने मुझे कागज दिया था, मेरे पास आपके व्हाट्सएप भी हैं जिसपे आपने डॉक्यूमेंट्स मुझसे शेयर किए हुए हैं। ये शहजाद अकबर साहब ने मुझे कागज दिया था, फोरेंसिक करा लेते हैं, पता लग जाएगा किसने डॉक्यूमेंट बनाया था। बल्कि तो प्रिंटर भी मेरा ख्याल है वो कैलिबरी फॉन्ट की तरह आपके किसी के घर से दरामद हो जाएगा जहाँ से ये सारे प्रिंट आउट्स करके बांटे गए थे। मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब व दाखला शहजाद अकबर कहते हैं कि अपोजिशन ने नैब कानून में मर्जी की तरमीम के जरिए NRO हासिल करने की कोशिश की, बात न बनी तो PDM का क़याम अमल में लाया गया, डेप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला पर इदारों को धमकाने का इल्ज़ाम धर दिया। अपोजिशन का ये कहना था कि आप हमें ये अमेंडमेंट्स नैब के अंदर करके देंगे तो हम आपको वोट भी देंगे, साथ भी चलेंगे। जिन लोगों ने ये तरामीम ड्राफ्ट की वो तमाम नैब के मुलजमान हैं, जितने केसेस इनके ऊपर हैं उसके ऊपर एक कंप्लीट इनको माफी दे दी जाए। तो भाई ये NRO नहीं है तो और क्या है। इन्होंने बड़ी कोशिश की बारगेन करने की, नहीं हो सकी, इनको साफ इनकार कर दिया गया, फिर ये एक नया धड़ा PDM का बनाया गया। अवाम तो PDM को तकरीबन रिजेक्ट कर चुकी है, अपर हाउस है सेनेट, उसके डिप्टी चेयरमैन मांडवीवाला साहब, आप यहाँ कानून साजी करने के लिए आए हुए हैं, आपके ऊपर अगर कोई मुकदमा बनता है तो आप मुकद्दस गाय नहीं हैं। पार्लियामान का मेंबर वो कोई भी जुर्म कर ले, कोई तहकीकाती इदारा कुछ नहीं कर सकता, आप उसको चैलेंज करें, आपको कानून इसकी इजाजत देता है, बट यू कैन नॉट यूज द सेनेट फॉर योर पर्सनल बेनिफिट। आप धमका रहे हैं इदारों को, इंस्टीट्यूशंस को मलाइन कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब वाला जो मामला है ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है बाकियों से, क्योंकि ये सजा याफ्ता है, ये वहाँ विजिट वीजे पे गए हुए हैं, उसकी मियाद भी खत्म हो चुकी है। हमने उस सिलसिले में बरतानवी हुकूमत से डिपोटेशन का मुतालबा किया है, हमने मिसालें भी पेश की हैं, और बरतानिया का जो हमें जवाब आया कि लीगल पॉइंट्स भी हैं, फैक्चुअल चीजें भी हैं, हम इसको कंसिडर करेंगे इनके केस को रिव्यू करते हुए। दूसरी जानिब लीगी रहनुमा राना सनाउल्ला मुस्लिम लीग नून के मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद हैं। समा को खसूसी इंटरव्यू में कहा कि पार्टी का मुस्तकबिल मरियम नवाज और हमजा के इत्तेहाद से मशरूत है, मशवरा दिया दोनों अपने बड़ों की मिसाल कायम रखें। इस तरह से मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ का इत्तेफाक जो है वो मुस्लिम लीग नून की कामयाबी की जमानत रहा है। हमजा शहबाज शरीफ साहब को और मरियम नवाज शरीफ साहब को अपने बड़ों की इस मिसाल को कायम रखना चाहिए। इन दोनों का भी आपस में जो इत्तेफाक है वो मुस्लिम लीग नून की कामयाबी की जमानत होगा। अगर ऐसा होता है तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का फ्यूचर जो है वो बड़ा ब्राइट है। मैं तर्दीद करता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर क्यादत है उसमें कोई बंदा जो है वो विकेट के दोनों तरफ गिर रहा है। जावेद लतीफ़ साहब से मैं समझता हूँ कि ये स्लिप ऑफ टंग हुई है। शिरानी साहब जो हैं तो ये अब सारे एक्सपोज हो गए, पता चल गया सब, बाकायदा उनको खिलाया गया है, उनको बाकायदा जो है वो पूरी तरह से जो है उनको सिखाया गया है। न्यू कराची की आइस फैक्ट्री हादसे में जाँ बहक होने वालों की तादाद 10 हो गई है, 25 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। कल शाम फैक्ट्री का कंप्रेसर फट जाने से गिरने वाली छत का मलबा अब तक मुकम्मल तौर पर नहीं उठाया जा सका है। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट। बेबी जिंदा मेरा बेटा, किसी का भाई किसी का बेटा तो किसी का शौहर। न्यू कराची फैक्ट्री हादसे ने कई घरानों के चराग गुल कर दिए।
रात गए अस्पताल में रिक्कत आमेज मनाते देखे गए। हादसे में जाँ बहक मोहसिन के रिश्तेदार फैक्ट्री मालिक पर फट पड़े। मोहसिन घर का वाहिद कफील था। जब कोई हादसा हो जाता है तो वो मालिक बाहर मर जाते हैं जाके। मालिक अगर बाहर है तो मालिक फोन करके ये भी तो बोलते थे ना कि मोहसिन आके आप ये काम कर दो। अब मोहसिन मर गया है तो मोहसिन आके उसका नेमुल बदल नहीं कर सकता ना, लेकिन ये आके बोल तो सकता है कि मोहसिन के घर में जाके ये राशन डलवा दो। धमाका इतना शदीद था कि कंपाउंड में वाकई मजीद 3 फैक्ट्रियों को भी नुकसान पहुँचा। मोस्ट प्रोबेबली ये गैसेस का ही मतलब हो सकता है। 500 मीटर तक काफी ज्यादा गैसेस की स्मेल भी थी। हादसे के वक्त फैक्ट्री में 50 से ज्यादा मुलाजमीन मौजूद थे। 30 मरीज हमारे पास आए थे जिनको हमने तिब्बी इमदाद दे के फारिग कर दिया। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने तबाह हाल फैक्ट्री के नमूने टेस्ट के लिए जामे कराची भिजवा दिए हैं। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा कराची। वज़ीर सनअत व तिजारत सिंध जाम इकरामुल्ला धारेजो कहते हैं फैक्ट्री हादसे की वजूहात अब तक सामने नहीं आ सकी, रिपोर्ट की रोशनी में कार्रवाई होगी। जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आती तब तक हम कुछ शेयर नहीं कर सकते और हम फाइनल रिपोर्ट के इंतजार में हैं। सिंध गवर्नमेंट जो जहाँ बाक हुए हैं उनको जो कंपनसेशन का, मैं चीफ मिनिस्टर साहब को कल रिक्वेस्ट करूँगा कि उनको मुआवजा दिया जाए और जो जख्मी हुए हैं उनको भी दिया जाए। सिंध के वज़ीर मेहनत सईद गनी ने कहा है कि फैक्ट्रीज़ की रेगुलराइजेशन और सेफ्टी की जिम्मेदारी उनके महकमे पर आयद होती है। न्यू कराची फैक्ट्री धमाके के मामले पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है, जिम्मेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जैसे कल वाक़या हुआ मैंने उसी वक्त सेक्रेटरी लेबर को ये कहा कि आप इसकी फौरी इंक्वायरी रिपोर्ट तो मुझे आज देंगे, वो 24 घंटे का उनको ने टाइम दिया था तो आज सबमिट हो जाएगी। जो इनिशियल इंक्वायरी रिपोर्ट है इसमें महकमा लेबर की भी जिम्मेदारी होती है कि वहाँ पर जो सिक्योरिटी और सेफ्टी के इशूज़ हैं उसको हम देखें। तो जैसे ही इंक्वायरी रिपोर्ट आती है मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगा। न्यू कराची आइस फैक्ट्री में धमाका किस चीज़ का था, सवाल उठ खड़े हो गए। फैक्ट्री में मौजूद कंप्रेसर और कंडेंसर ठीक हालत में हैं, कोल्ड स्टोरेज में कोई केमिकल और बॉयलर मौजूद नहीं। हमारे नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी इस वक्त फैक्ट्री में मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बताइए शाहनवाज। देखिए मैं इस वक्त न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया की उसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ फैक्ट्री के बारे में कहा जा रहा था कि जोरदार धमाका हुआ है, आइस फैक्ट्री के अंदर जो है कंप्रेसर फटा है। मैं आपको इस वक्त विजिट कराऊँ, ये वो जगह है जहाँ पर ये बर्फ़ बनाने की मशीनरी लगी हुई है जिसके बारे में कहा जा रहा था कि यहाँ पर जो है ज़ोरदार धमाका हुआ है, कंप्रेसर फटा है और उसके बाद जो है सारी सूरत हाल हुई है। मेरे साथ यहाँ पर एक यहाँ के जो ओनर्स के दोस्त मौजूद हैं, यहाँ पे आइस एसोसिएशन के मेंबर भी हैं, इनसे भी बात करते हैं और सर ये हमें समझाते जाएँ, हमारे साथ चलें तो हमें समझाते जाएं कि ये किस तरीके से ये काम करती है और ये क्या कंप्रेसर कहाँ है, इसका कंडेंसर कहाँ है, क्या कुछ फटा है। अभी आप लोग जिस वक्त जहाँ पे खड़े हुए हैं ये मशीन रूम कहलाता है, ये क्रिस्टलाइज का मशीन रूम है जहाँ पे कल रात में ये सानिया पेश आया है। आप लोगों को आम तासुर ये जा रहा है कि यहाँ पे कोई बॉयलर फटा है और ऐसा कुछ हुआ है, जबकि बर्फ खाने में कोई बॉयलर का कोई ताल्लुक नहीं है। जो मेन चीज़ें यहाँ पर होती हैं ये आप अपने पीछे देख सकते हैं, आपके अगर में ये दो ये जो टैंकियाँ लगी हुई हैं इनको हम रिसीवर कहते हैं, इसके अंदर सारी गैस हमारी एक्यूमुलेट होती है, फिर ये ये जो कंप्रेसर है ये कंप्रेसर इसको पुश करता है तो ये गैस ऊपर जाती है आपके उसमें कंडेंसर में और फिर उसके बाद घूम करके वापस इसके अंदर आती है और टैंक के अंदर फिर टैंक को ठंडा करती है। आप यहाँ पर सारी चीज़ें देख सकते हैं कि पूरी मशीन पूरा प्लांट जो है वो अपनी जगह पर इंटैक्ट है, किसी चीज़ में कोई फॉल्ट नहीं है यहाँ पर, ना ही कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है। पीछे आप वायरिंग पूरी देख सकते हैं, वायरिंग अपनी जगह पर पूरी सही है। आप बिल्डिंग की पोजीशन देखें, कहीं पे कोई ऐसा फॉल्ट बर्फ़ खाने के अंदर नज़र नहीं आ रहा जिसको देख के आप ये कहें कि जी बर्फ़ खाने में कोई जो है ना यहाँ पे कुछ कुछ फटा हो या कोई चीज़ का नुकसान हुआ हो, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सारी चीज़ें अपनी जगह पे लगी हुई हैं। अच्छा सर, फिर क्या समझते हैं कि हुआ क्या होगा? सर हम तो खुद यही कल रात से हुकूमत से यही अपील कर रहे हैं, जो इदारे यहाँ पे आ रहे हैं तहकीकी इदारे आ रहे हैं, हम उनसे यही अपील कर रहे हैं कि खुदारा इस मामले को देखें और इसको इसकी तहकीक करवाएं, फिल फॉर तहकीक हो इस मामले की और पता चले कि ये किसी की शरारत है या क्या मामला हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये आपको हम तो कल रात से इनसे यही मुतालबा कर। बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे सारी चीज़ें इंटैक्ट हैं, अभी धमाका खासा पुरसरार हो गया है, तहकीकती इदारों की जानिब से अब तहकीकात का सिलसिला शुरू कर दिया है। अब से कुछ देर कब जो है यहाँ पर बम डिस्पोजल स्क्वाड आया था, उसने भी यहाँ पर जो है शवाहद इकट्ठे किए हैं, तो अब ये वाकया है जो कि मुअम्मा बनता जा रहा है। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें आगाह कर रहे थे। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने इस्लामाबाद पुलिस की तनख्वाह पंजाब पुलिस के बराबर लाने का वादा कर लिया है। पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब में कहा है कि इस मामले पर वज़ीर ख़जाना से बात करूंगा। देखते हैं ये रिपोर्ट।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद पुलिस के लिए हेल्थ कार्ड देने का ऐलान। पासिंग आउट परेड तकरीब से खिताब में कहा, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में इस्लामाबाद पुलिस के लिए प्रोग्राम ला रहे हैं। हाउस रेंट की कटौती घर की किस्त होगी, एक साथ पूरी करने पर अहलकार घर के मालिक बन जाएंगे। जो बॉर्डर्स पे कौम की जान और माल की हिफाजत करती है वो पाकिस्तान की फौज है, जो सिक्योरिटी देती है एक कौम को, और जो एक इन्वेस्टर की, एक बिजनेसमैन की, एक शहरी की जो प्रोटेक्शन देती है वो है पुलिस। अब वक्त आ गया कि हमारी पुलिस एक और लेवल की हो, जिसकी इज्जत हो माशरे में, जो माशरा उसको ओन करे। वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, पहली बार किसी वजीर आजम ने इस तकरीब में शिरकत की, आज पुलिस के हर सिपाही का सर फख्र से बुलंद हो गया। आपको भी माँ की दुआ है वजीर आजम साहब, मुझे भी माँ की दुआ है। अल्लाह आपको बहुत बड़ी इज्जत देगा इंशाल्लाह ताला, इस इक्तसादी माशी सियासी इस सारे मसाइल से आप बाहर कौम को लेके निकलेंगे। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि ये वजारत दाखिला 120 दिन में बदल जाएगी वजीर आजम साहब इंशाल्लाह ताला। इससे कबल इमरान खान ने पासिंग आउट परेड का मुआयना किया। इमरान खान को चाको चौबंद दस्तों ने सलामी दी। उन्होंने पेशा वराना तरबियत का बेहतरीन मुजाहरा करने वालों में इनामात भी तकसीम किए। दूसरी जानिब कराची में स्ट्रीट क्राइम रोकने के लिए पुलिस का नया तजुर्बा, तंग गलियों और ट्रैफिक जाम में फंसे शहरियों को लूटने से बचाने के लिए स्केटिंग फोर्स बना दी गई। अहमद रहमान खान रिपोर्ट करेंगे। खवातीन नाजुक हैं, लेकिन मरियम ने इस तासुर को गलत साबित किया। ना सिर्फ पुलिस में भर्ती हुई बल्कि सिंध पुलिस की जल्द लॉन्च होने वाली स्केटिंग फोर्स का भी हिस्सा है। मरियम असला चलाने में भी महारत रखती है। हम नाजुक नहीं हैं, हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, ना कि वेपन हैंडलिंग, हर चीज में हम लोग आगे हैं, स्केटिंग्स वगैरह जो भी हम लोगों को ट्रेन कराया जा रहा है। दीगर खवातीन अहलकार भी शहरियों की मदद के लिए पुरअज़म हैं। छोटी छोटी गलियां हैं कराची की, हम उसके अंदर अपनी पुलिस मोबाइल नहीं लेके जा सकते, तो स्केट के थ्रू हम मौके वारदात पे वक्त बचाते हुए वहां पर पहुंच सकते हैं। कमांडेंट स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट फर्रुख लंजार का कहना है, इब्तदाई तौर पर 10 खवातीन और 10 मर्द अहलकारों पर ये फोर्स बनाई गई है। नॉर्मली फुट पेट्रोलिंग करना एक टीडियस काम होता है, फिर उसके बाद अगर आप एक्टिवली किसी को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो उसमें अगर आप रोलर स्केट्स पे होंगे तो आपको एक एज होगा उस तरह से उसको एप्रीहेंड करने में। तो ये हमारी एक कोशिश है, आई होप के इसके अच्छे रिजल्ट्स सामने आएंगे। पुलिस अफसरान के मुताबिक अहलकारों को स्केटिंग शूज के साथ सीढ़ियों पर चढ़ने, उतरने और पिस्तौल उठाने और चलाने की भी खसूसी तरबियत दी गई है। वैसे तो कराची में हर साल हजारों शहरियों को सड़कों पर लूट लिया जाता है, लेकिन देखना यह है कि स्केटिंग फोर्स के आने से वारदातों में कितनी कमी आती है। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ अहमद रहमान खान, समा कराची। ब्रेक के बाद खबर ये कि पाकिस्तान में बैन अल-अक़वामी तर्ज का पहला वेंटिलेटर तैयार कर लिया गया। बैरून मुल्क से खरीदे जाने वाले वेंटिलेटर की कीमत 40 से 45 लाख है, जबकि पाकिस्तान में तैयार ऑल्सन कंपनी के वेंटिलेटर की कीमत 15 से 20 लाख के दरमियान होगी। समा के नुमाइंदे मुदस्सिर नज़ीर से मज़ीद जान लेते हैं। मुदस्सिर नज़ीर, ये तो बहुत अच्छी खबर है। पाकिस्तान में पहली बार बैन अल-अक़वामी तर्ज की वेंट मशीन तैयार कर ली गई है। वेंट मशीन कराची की ऑल्सन कंपनी ने तैयार की है। चेयरमैन ऑल्सन कंपनी ऑफ ग्रुप अब्दुलरहमान आलाना के मुताबिक वेंट मशीन में वो तमाम खूबियां मौजूद हैं जो बैरून मुल्क बरामद शुदा वेंट में है। बैरून मुल्क से जो खरीदे जाने वाली वेंट की 40 से 45 लाख है, जबकि पाकिस्तान में तैयार करदा वेंट की कीमत जो है 15 से 20 लाख के दरमियान है। ये डेवलपमेंट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सब कुछ पाकिस्तान में ही तैयार हुआ है। इसके अलावा मिनी वैन जिसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी का नाम दिया गया है, ये मशीन भी कामयाब तजुर्बा हासिल कर चुकी है और इस मशीन को बगैर इलेक्ट्रिसिटी मैनुअल इस्तेमाल किया जा सकता है और ये ड्रैग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान से अप्रूव हो चुकी है और ये भी अब मार्केट में लाई जा चुकी है। इसकी कीमत सिर्फ 1.5 लाख के करीब है, जबकि एक और मशीन जिसमें मोबाइल फोन, पर्स और दीगर इस्तेमाल होने वाली जो अशिया है उसको डिसइंफेक्ट किया जा सकता है और ये कामयाब तजुर्बा मार्केट में लाई जा चुकी है। पाकिस्तान ठीक है मुदस्सिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
FIA का इमिग्रेशन चेक पोस्टों पर बदउनवानी की शिकायत पर बड़ा एक्शन। DG वाजिद ज़िया ने बदउनवान अफसरान को ब्लैक लिस्ट करने का फैसला कर लिया है। बात करेंगे आदिल तनोली से। आदिल, ये तो बहुत बड़ा इकदाम है। जी देखें, FIA को इमिग्रेशन के मुख्तलिफ जो चेक पोस्टें हैं उन पर कई बार शिकायत मौसूल हुई हैं, जिस पर DG FIA वाजिद ज़िया की जानिब से ये फैसला किया गया है और तमाम चेक पोस्टों पर जो डिप्टी डायरेक्टर्स हैं उनको ये मरासला जारी किया है, जिसमें बताया है कि बदनवान अफसरान जो हैं वो आइंदा इमिग्रेशन चेक पोस्ट पर किसी सूरत उनको तैनात नहीं किया जाएगा। मनपसंद पोस्टिंग लेने के लिए दबाव डालने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का ऐलान किया गया है और साथ ये भी बताया है कि करप्ट अफसर चाहे मर्द हो या खातून बतौर सजा उसको सख्त इलाकों में तैनात किया जाएगा। ब्लैक लिस्ट होने वाले अफसरान का मुकम्मल रिकॉर्ड जो है वो भी रखा जाएगा। इसके अलावा इमिग्रेशन चेक पोस्ट पर तैनाती सिर्फ 8 साल के लिए होगी। DG FIA ने तमाम अफसरान पर दौरान ड्यूटी यूनिफॉर्म पहनना भी लाजमी करार दिया गया है और साथ ही साथ DG FIA वाजिद ज़िया जो है उनकी जानब से जो मरासला जारी किया गया है उसमें ये भी कहा है कि चेक पोस्ट पर किसे कहाँ तैनात करना है ये अख्तियार सिर्फ डिप्टी डायरेक्टर या एडिशनल डायरेक्टर जो है वो उनके पास होगा। खबर की तफसील के लिए आपका शुक्रिया। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कीजिए sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम 7 से 8। देखते रहिए समा।